हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करेंगे हॉट वर्क के ऊपर। हॉट वर्क क्या होता है, इसके एग्जांपल के बारे में जानेंगे। हॉट वर्क में हजार्ड क्या है इस काम को करने में, और इसका सेफ्टी मेजर क्या लेना है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हॉट वर्क होता क्या है। हॉट वर्क वेयर मोस्टली नेक फ्लेम आर यूज, यानी हॉट वर्क ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि मोस्टली नेक फ्लेम यूज होता है, जैसे कि एलपीजी, अगर वहाँ पे हम लोग है जो जलाते हैं कटिंग करने के लिए, जैसे प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, या एसिटिलिन का इस्तेमाल करते हैं गैस कटिंग सेट के लिए। तो ये सारे जो चीज़ है यहाँ पे नेक फ्लेम यूज होता है। तो पहला तो इसको बोल सकते हैं जहाँ पे मोस्टली नेक फ्लेम यूज होता है वो हॉट वर्क है। दूसरा देखेंगे वेयर एन इग्निशन सोर्स विल बी क्रिएटेड, जहाँ पे इग्निशन सोर्स क्रिएट होता है, जैसे कि वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे स्पार्क निकलता है, ग्राइंडिंग करते हैं तो यहाँ पे भी स्पार्क निकलते हैं, कटिंग ऑपरेशन करते हैं तो मोल्टेन मेटल यहाँ पे पिघल के गिरता है। तो ये सारे क्या है, इग्निशन सोर्सेस हैं। तो ये जहाँ पे कि इग्निशन सोर्स डेवलप होता है, क्रिएट होता है, उसे भी हॉट वर्क कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसको हॉट वर्क अगर हम करते हैं तो इसमें क्या सावधानी रहनी चाहिए, क्योंकि हर एक जगह पे हॉट वर्क वही ग्रीन फील्ड एरिया के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम ब्राउन एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे हमें एक विशेष प्रिकॉशन की जरूरत है इसमें, जैसे कि वर्क डेट रिक्वायर पीटीडब्ल्यू सिस्टम इफ यू वर्क इन हजार्डस एरिया, यानी कि हाई हॉट एक्टिविटी अगर आप हजार्डस एरिया में करते हैं तो वहाँ पे विदाउट पीटीडब्ल्यू आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे पीटीडब्ल्यू लेना जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि हॉट वर्क का एग्जाम्पल्स क्या क्या है। पहला है वेल्डिंग एक्टिविटी, ये हॉट वर्क का एग्जाम्पल है। ब्राजिंग करते हैं, ये भी हॉट वर्क का एग्जाम्पल है। प्रोपेन सोल्डरिंग हॉट वर्क है। ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग, यानी गैस कटिंग सेट से जो कट करते हैं आप मेटल को या कोई भी मटेरियल को। ग्राइंडिंग एक्टिविटी में चिंगारियां बहुत सारी निकलती हैं, ये भी हॉट एक्टिविटी है। फ्लेम टॉर्च बर्निंग, यानी टॉर्च में फ्लेम जो जलाते हैं और उसको या तो पाइप को गर्म करते हैं, वो पार्ट को जहाँ पे कि वेल्डिंग करने के लिए गर्म होना जरूरी, तो उसको हम इसके टॉर्च बर्निंग करते हैं। तो ये हो गया सारे एग्जाम्पल ऑफ हॉट वर्क। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हॉट वर्क के। अब देखेंगे कि हजार्ड हॉट वर्क एक्टिविटी में क्या क्या है। जैसे कि पहला फायर एंड एक्सप्लोजन का, अगर आप वैसे एक्टिविटी वैसे लोकेशन में काम करते हैं जहाँ की एक्सप्लोसिव मटेरियल का रिलीज पॉसिबल कभी भी हो सकता है, वहाँ पे खतरनाक एरिया है तो वहाँ पे फायर एक्सप्लोजन की संभावना हो सकती है। दूसरा बर्न होता है, बर्न का मतलब हुआ आपने कटिंग किया या वेल्डिंग किया और गलती से उस पार्ट को छू दिया तो यहाँ पे बर्न्स भी हो सकते हैं। स्पार्क्स तो निकलता ही है इसमें। टॉक्सिस गैसेज एंड फ्यूम्स, तो वेल्डिंग करने में भी टॉक्सिस गैसेस निकलते हैं, अगर वहाँ पे प्रॉपर अगर वहाँ पे नोज मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो सारे टॉक्सिस गैसेस जो वेल्डिंग के दौरान निकलते हैं वो सारे हम सांस के थ्रू अंदर ले सकते हैं, और जिसके कारण उस पर्टिकुलर व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकता है। हार्मफुल रेडिएशन इस पर निकलता है, इंफ्रारेड रेज निकलता है जो कि खतरनाक है। नॉइज काफ़ी होता है, ग्राइंडिंग एक्टिविटी अगर इसमें आप करते जो कि हॉट वर्क है तो उसमें काफ़ी नॉइज आती है, यहाँ पे एयर प्लग का इस्तेमाल करना चाहिए। वाइब्रेशन भी होता है मशीन चलाने में। उसके बाद कट इंजरी तो पॉसिबल है ही, क्योंकि यहाँ पे ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो कटने का डर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वहाँ पे हम जो चीज़ को कटते हैं वो है जो शार्प एजेज हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पे कट इंजरी होने की संभावना है। आर्किंग है, उसके बाद इलेक्ट्रिकेशन होता है, क्योंकि वेल्डिंग जितने भी हॉट वर्क एक्टिविटी किए जाते हैं सिर्फ गैंट कटिंग सेट को छोड़ करके, बाकी ग्राइंडिंग आप वेल्डिंग कर रहे हैं या यहाँ पे फिर ग्राइंडिंग एक्टिविटी हो रहा है, ये सब में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अगर वायर प्रॉब्लम है, वायर में कटिंग है या कुछ और इशू है तो उस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट है फायर हैजार्ड, तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर हॉट एक्टिविटी वैसे एरिया में किया जाता है जो पोटेंशियली डेंजर है तो वहाँ पे फायर हजार्ड हो सकता है। तो ये सारे अभी आपने देखा हजार्ड क्या क्या था। अब हम देखेंगे कि हॉट वर्क प्रिकॉशन, हॉट वर्क अगर करते हैं तो उसमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं। तो सबसे पहले प्रिकॉशन क्या लेना है, फ्लेमेबल मटेरियल नीड टू बी रिमूव्ड, यानी फ्लेमेबल जो भी वहाँ मटेरियल अगर हॉट वर्क करना है तो उसको रिमूव कर दें, नहीं तो उसमें आग लगे की संभावना है। इफ डैट कैन नॉट बी रिमूव्ड,
शुड बी कवर्ड विथ फायर ब्लैंकेट। अब यहाँ पे हो गया कि कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिसको पॉसिबल नहीं है हटाना, बट उसमें आग लगने की संभावना है, तो उस केस में वहाँ पे फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर दें ताकि उस पे है जो फ्लेम या स्पार्क्स नहीं जाए। नेक्स्ट देखेंगे, फ्लोर शुड बी टिड्डी, जहाँ पे हॉट वर्क एक्टिविटी चलता है वो है जो साफ सुथरा एरिया होना चाहिए, वहाँ पे जलने वाली कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, इस एक्टिविटी को अगर करते हैं हॉट वर्क में तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है जो जो करते हैं उनको भी होता है, जैसे हाथ जलना या बॉडी का कोई भी पार्ट जलना, तो इसको बचाने के लिए हम पीपी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एप्रोन हो गया, फूल पहनते हैं, बेल्डिंग हेलमेट पहनते हैं, लेदर लेग गार्ड पहनते हैं जिससे लेग पे अगर है जो स्पार्क गिरता है तो जलेगा नहीं, हैंड स्लिप पहनते हैं, हैंड पे गिरेगा तो जलेगा नहीं, और मास्क भी पहनना जरूरी है क्योंकि उससे जो हार्मफुल फ्यूम्स निकलते हैं वो नाक में नहीं जाए। नेक्स्ट सेफ्टी मेजर है 30 mmHg से भी और अर्थिंग शैल बी प्रोवाइडेड। तो जब भी हम चूंकि यहाँ पे वेल्डिंग एक्टिविटी करते हैं, ग्राइंडिंग एक्टिविटी करते हैं और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारे काम करते हैं तो यहाँ पे शॉक की संभावना हो सकती है, तो यहाँ ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए 30 mmHg से भी या RCCB का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है ताकि अगर वहाँ पे कोई फॉल्ट होता है तो मशीन ट्रिप कर जाए और जो आदमी काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हो। नेक्स्ट देखेंगे, गैस टेस्ट रिक्वायर्ड इन कंजस्टेड एरिया, अगर हॉट वर्क वैसे एक्टिव लोकेशन में किया जा रहा है जो कंजस्टेड एरिया है, मींस कन्फाइंड स्पेस भी बोल सकते हैं या कंजस्टेड एरिया वैसे एरिया को भी बोलते हैं जहाँ पे कि मोस्टली चांसेस होता है कि वहाँ पे फ्लेमेबल गैस या कुछ गैसे है जो हमेशा लीक हो सकता है और उस एरिया में काम करना है तो वहाँ पे गैस टेस्ट का होना बहुत जरूरी है ताकि कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट देखेंगे, वेल्डिंग सीट विथ अटैच हेलमेट शुड बी गिवन टू द बेल्डर। यहाँ पे जनरली क्या देखा जाता है कि बेल्डर जब वेल्डिंग करते हैं तो शील्ड पहनते हैं बट हेलमेट सेफ्टी हेलमेट नहीं पहनते, तो उसमें प्रॉब्लम है अगर ऊपर से कुछ गिर गया तो उसके सर में घुस जाएगा, बेटर है कि जब भी वेल्डर काम कर रहा है तो उसको शील्ड विथ अटैच हेलमेट देना सही रहेगा और उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, फायर ब्लैंकेट शुड बी मेड अवेलेबल। तो फायर ब्लैंकेट क्या है, ऐसे फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल ऐसे जगह किया जाता है जो जलने वाली चीज़ है बट उसको हटाया नहीं जा सकता है, तो उस केस में वहाँ पे फायर ब्लैंकेट डाल दें और उसको पानी से गीला कर दें ताकि अगर स्पार्क उस पर गिरता भी है तो फायर ब्लैंकेट तो उसको रोकेगा ही और साथ में पानी से भींगा हुआ रहे तो आग पकड़ने का डर नहीं रहेगा, या अगल बगल में पूरे है जो पानी का यहाँ पे होज का इस्तेमाल करके है जो उसको भींगा सकते हैं जिससे कि आग है जो जल्दी नहीं पकड़ेगा। फायर एक्सटिंग्विशर एंड फायर वाचर शुड बी अवेलेबल, तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर इमरजेंसी केस के होना चाहिए और साथ साथ में हॉट वर्क एक्टिविटी में फायर वाचर का भी रिक्वायरमेंट होता है जो उसका फंक्शन वही होता है कि वो नज़र रखे एक्टिविटी पे, अगर कहीं कुछ आग लगती है तो उसको इमीडिएट बुझा दे। स्पार्क कंटेनमेंट अरेंजमेंट, यहाँ पे स्पार्क कंटेनमेंट अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे कि बिल्डिंग बूथ बनाना जिससे कि स्पार्क एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँचे, बिल्डिंग बूथ बना देंगे तो स्पार्क है जो आउटसाइड नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एरिया फ्री फ्रॉम कंबस्टेबल एंड फ्लेमेबल मटेरियल, तो एरिया जो हो क्या हो कंबस्टेबल एंड फ्लेमेबल मटेरियल से फ्री होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हील गार्ड नीड टू बी प्रोवाइडेड ऑन ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन चला रहे हैं तो यहाँ पे ग्राइंडिंग मशीन का व्हील अगर गार्ड नहीं लगा हुआ है तो कटने का डर बना हुआ रहता है, तो ये काफ़ी रिस्की है, तो यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि जब भी ग्राइंडिंग मशीन चलाया जाता है तो उसमें व्हील गार्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डेड मैन स्विच शुड वर्क राइटली, यानी कि जो ग्राइंडिंग मशीन जो चलाते हैं तो उसमें डेड मैन जो स्विच होता है वो राइटली काम करना चाहिए, नहीं तो इन मौके पे काम नहीं करेगा और उसमें मेजर एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। फिर देखेंगे, डिस्क आरपीएम शुड बी ग्रेटर देन मशीन आरपीएम, तो यहाँ पे डिस्क आरपीएम मतलब व्हील का आरपीएम है जो मशीन के आरपीएम से ज़्यादा होना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि मशीन है जो अपने आरपीएम पे उसको घुमाएगा और डिस्क को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या यहाँ पे दूसरा चीज़ ये भी है कि डिस्क का आरपीएम और मशीन का आरपीएम सेम होना चाहिए जिससे मशीन अपने आरपीएम, लेकिन किसी भी कंडीशन में मशीन का आरपीएम डिस्क के आरपीएम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मशीन अपने आरपीएम पे उसको घुमा के डिस्क को तोड़ देगा क्योंकि डिस्क का आरपीएम कम है, तो किसी भी कंडीशन में मशीन का आरपीएम डिस्क के आरपीएम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे,
यूज ईयर प्लग वाइल हाई नॉइज एक्टिव, वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं जिसमें हाई नॉइज क्रिएट होता है, जैसे कि ग्राइंडिंग एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी नॉइज क्रिएट होता है, तो वहाँ पे ईयर प्लग का इस्तेमाल करना जरूरी है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, डबल आई प्रोटेक्शन नीड टू बी प्रोवाइडेड वाइल बिल्डिंग एंड ग्राइंडिंग। यहाँ पे डबल आई प्रोटेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, ग्राइंडिंग एक्टिविटी में स्पार्क आने की संभावना होती है या बिल्डिंग एक्टिविटी में डबल आई प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये बहुत ही जरूरी है आंखों की सुरक्षा के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा कि हॉट वर्क क्या होता है, हॉट वर्क के एग्जाम्पल के बारे में जाना, इसमें हजार्ड क्या क्या होते हैं और सेफ्टी मेजर इसमें क्या लेना है, इन सारे चीज़ों को अभी 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 हमने जाना। तो चलिए, यहाँ पे मैं आप लोग से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।